हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में देखेंगे हम लोग प्रिंटर्स और उसके प्रकार। ठीक है, पिछले क्लास में प्रिंटर देखे थे, अब उसको पूरा हम उसके टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर एक बार यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कैसा डिवाइस है? तो ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को किस पे छापता है? कागज़ पर। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इसको याद रखना, कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतना तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारी को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसके लिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? प्रिंटर में ही मेमोरी लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हम देखेंगे प्रिंटिंग में। ठीक है, आपके किस में? तो प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा? तो एक होता है इम्पैक्ट होता है और एक क्या होगा आपका, नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो प्रिंटिंग में प्रिंट करने के आधार पर दो भाग में बांटेंगे उसको। पहला इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब प्रभाव डालना, इम्पैक्ट डालना बोलते हैं ना, फोर्स डालना। ठीक है, तो इम्पैक्ट मतलब क्या है? प्रभाव डालना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। ठीक है, जिसमें आप धातु का एक क्या लगा रहता है, हेमर या प्रिंट हेड होता है। किसका होता है? धातु का हेमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज़ व रिबन से टकराता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। किस विधि से? तो आपका अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट या आपका डॉट मैट्रिक्स विधि से कहाँ पर उभरता है? वो कागज पर उभरता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसको याद रखना, डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट के फॉर्म में वो कागज पर क्या होता है आपका, प्रिंट होता है और सॉलिड फॉन्ट में रहता है। ठीक है, और इम्पैक्ट का मतलब क्या है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, तो डायरेक्ट जो कागज़ में क्या करता है, टकरा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के? तो डॉट मैट्रिक्स होता है, डेसीबल प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर होता है और ड्रम प्रिंटर होता है। इतना हमको पढ़ना है और एक आध दो टाइप इसका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, कौन सा प्रिंटर? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? तो डॉट जुड़ गया मतलब डॉट के फॉर्म में प्रिंटर वर्क करेगा। देखो, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है। किसका मैट्रिक्स होता है? पिन का, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। क्या छपेगा? डॉट छपता है। ठीक है, जैसे कागज पर स्पर्श करेगा तो क्या छपता है आपका, डॉट छपता है। ठीक, अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं, मतलब बहुत सारे डॉट मिलकर क्या बनाएंगे, एक कैरेक्टर बनाएंगे। अब वो कैरेक्टर जो है प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिन का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है, जैसे ए बी सी डी लिख रहे हैं तो डॉट डॉट से मिलकर क्या होगा, बनेगा। आपका ही पेपर आपके सामने आता होगा, उसमें देखना डॉट डॉट से ए बी सी डी कुछ भी उसमें क्या हुआ रहता है, प्रिंट हुआ रहता है। तो किससे बनता है? वो डॉट डॉट से। और कैसे रहता है उसका प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 8, 24 पिन का ऊर्ध्वाधर समूह होता है। कैसा रहेगा आपका? ऊर्ध्वाधर समूह। ठीक है, तो अनेक डॉट डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं, किसमें आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। ये भी क्या करना है आपको, याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं डॉट मैट्रिक्स के बाद डेसीबल प्रिंटर। डेसीबल प्रिंटर क्या होता है ये देखेंगे। तो देखो, यह ठोस मुद्रा वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेसीबल इसलिए दिया गया क्योंकि प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार डेसी से मिलती है, मतलब एक फूल की आकृति जो है उसी पे
इसका आकृति को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, डेसी विल प्रिंटर। यह डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। कौन सा फूल, तो गुलबहार। डेसी से क्या होता है, इसका आकृति जो है वो मिलता है। डेसी विल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। इस लाइन को याद रखना है, भले ही धीमी गति से चलता है लेकिन इसका आउटपुट जो है क्या होता है, स्पष्ट होता है। मतलब इसका आउटपुट का जो प्रिंट करने की क्षमता है हमको स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। ये जो हेड लगा है ना, उसी में कैरेक्टर है, कैरेक्टर रहता है, ए बी सी डी ऐसे करके, और घूमता है तो छपते जाता है। इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। क्या प्रिंटर कहलाता है, तो लेटर क्वालिटी प्रिंटर। अगला प्रिंटर देखते हैं, लाइन प्रिंटर। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो बड़े कंप्यूटर जो हमारे पास हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके लिए हाई स्पीड प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन को एक बार में क्या कर सकता है, छाप लेता है। अभी तक देखें एक एक कैरेक्टर छापता था बाकी प्रिंटर, और ये प्रिंटर क्या करेगा, लाइन को, एक लाइन को क्या कर देता है, छाप सकता है। और इसकी छापने की गति जो है वो 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट, ठीक है, लाइन पर मिनट होती है। मतलब एक मिनट में 300 से लेकर 3000 लाइन को क्या कर सकता है, छाप सकता है। ये प्रिंटर मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटरों में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, इसको याद रखना। अंदर से भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होंगे, तो तीन, ड्रम, चैन प्रिंटर और बेंड प्रिंटर। ये तीन प्रकार है किसके, लाइन प्रिंटर का। कौन कौन सा, तो ड्रम होगा एक, एक आपका चैन होगा और एक आपका बेंड प्रिंटर होगा। तो लाइन प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है, तो बड़े कंप्यूटरों के लिए होता है। सबसे पहले उसके पहले टाइप को देखते हैं, ड्रम। अब ड्रम प्रिंटर क्या होता है, तो ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है। ड्रम देखे हो ना आप, उसी मतलब उसी आकृति, उसी के जैसे दिखने वाला एक क्या होता है, ड्रम होता है, जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं, ठीक है। एक बेंड पर सभी अक्षरों का समूह होता है, मतलब एक बेंड लगा रहता है जिसमें सभी अक्षरों का क्या रहेगा, समूह रहेगा। ऐसे अनेक बेंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जाते हैं। मतलब ऐसा आपका एक क्या रहेगा, बेंड रहेगा, देखो नीचे तीन लाइन, उसमें क्या है, छापा कैरेक्टर जो है वो छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन रोटेशन में एक लाइन छापता है। एक बार घूमेगा तो कितना छापेगा, तो एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बेंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। तो ये डायग्राम देखो, ये आपका ड्रम का कार्य का क्या है, हमारा प्रिंटर है। एक बार जब घूमता है तो कितना लाइन छापता है, वो एक लाइन को क्या करेगा, छापता है, ठीक है। तो एक बार जब वो घूम कर कंप्लीट करेगा तभी जाके आपका एक लाइन छपता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंटर हुआ, हमारा ड्रम प्रिंटर हो गया। ड्रम उसके बाद देखते हैं हम लोग चैन प्रिंटर। इस प्रिंटर में अब देखो, ड्रम देख लिए, अब ड्रम के बाद क्या देखेंगे हम, चैन देखेंगे। ये सब किसका टाइप्स है, लाइन का। तो देखो, चैन प्रिंटर जो है, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है। यह डायग्राम में दिख रहा है, चैन जैसे साइकिल वाइकिल का चैन देखे हो ना, उसी टाइप का तेज घूमने वाली एक चैन होती है, जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है, ठीक है। एक एक कड़ी में एक एक कैरेक्टर का क्या होगा, फॉन्ट होगा। मतलब एक कड़ी में ए लगा है तो दूसरा कड़ी में बी। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिसे हैमर कागज पर टकरा कर एक बार में एक लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है। मतलब एक बार घूमेगा हैमर और जैसे ही घूम लेगा तो एक लाइन को क्या कर देता है, प्रिंट कर लेता है। इसीलिए लिखा है, देखो, प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिसे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में क्या करेगा, एक लाइन को क्या कर देता है, आपका प्रिंट कर देता है। तो ये कौन सा प्रिंटर हो गया, तो चैन प्रिंटर। उसके बाद तीसरा है हमारा बैंड प्रिंटर, ठीक है, बैंड प्रिंटर। अब बैंड प्रिंटर किसके टाइप्स है, ये भी, तो ये भी लाइन प्रिंटर्स का क्या है, टाइप्स है। अब इसमें देखो, यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक बैंड होता है, ठीक है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन क्या करता है,
प्रिंट करता है। ये आपके डायग्राम में देखो, डायग्राम देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा प्रिंटर, बेंड प्रिंटर। अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट, वो हो गया इम्पैक्ट, अब हम क्या देखेंगे नॉन इम्पैक्ट। तो देखो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना और नॉन इम्पैक्ट मतलब जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है आपका, प्रभाव डालना। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट जाके क्या करता है, टकराता है, इसीलिए उसमें साउंड भी ज़्यादा आएगा और इसमें साउंड क्या होगा, कम होगा, किसमें आपका नॉन इम्पैक्ट में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता। मैं अभी बताया ना कि इसमें संपर्क स्थापित नहीं होता, इसमें लेज़र द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सबसे पहले तो आपको जानना है, देखो इम्पैक्ट मतलब टकराना और नॉन इम्पैक्ट मतलब नहीं टकराना। तो नहीं टकराता तो भाई कैसे छपता है, तो लेज़र प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, मतलब आपके लेज़र के द्वारा इसमें क्या होता है, छपाई होता है। किस प्रकार के प्रिंटर में आपका नॉन, उसके बाद इसका टाइप्स देख लो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियाँ हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया, फोटो प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, पोर्टेबल प्रिंटर हो गया, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया और थर्मल प्रिंटर, ये सब किसके टाइप्स हैं, तो नॉन इम्पैक्ट का। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कौन इम्पैक्ट का टाइप है, कौन नॉन इम्पैक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी से टेक्स्ट और ग्राफिक्स को छापने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, किसको किसको, तो तेज गति और उच्च क्वालिटी दोनों है इस प्रिंटर में। ठीक है, और टेक्स और ग्राफिक्स दोनों को छापने में क्या होता है, सक्षम होता है। जैसे उधर देखे प्रिंटर तो वो सिर्फ टेक्स को छापता था, ग्राफिक्स को नहीं। ठीक है, अधिकांश लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रेम व रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका, तो रेम और रोम का प्रयोग किया जाता है, किसमें, लेज़र प्रिंटर में। अब अधिकांश बोला जा रहा है तो सभी में नहीं, अधिकांश में आपका माइक्रो प्रोसेसर रेम और रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट के द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं, एकदम पास पास में रहता है, उसी कारण क्या होता है, स्पष्ट प्रिंट होता है। इस प्रिंटर में कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखना, किस प्रिंटर में, तो लेज़र प्रिंटर में कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर क्या डाला जाता है, तो इसके अंदर क्या डाला जाएगा, तो सूखी स्याही को भर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रिंटर में कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कार्टेज किस प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। किसकी तरह, फोटोकॉपी मशीन की तरह, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से 600 DPI, अभी DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉट पर इंच। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म क्या होगा, डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन की छपाई करता है। कितने से कितने तक लेकर, 300 से 600 DPI तक के या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन की क्या करता है, छपाई करता है। तो ये क्या हो गया आपका, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है लेज़र प्रिंटर का, बहुत लेज़र प्रिंटर अभी दिखाई दे देगा आपको कहीं भी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रिंटर देख लेते हैं, थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर हो गया आपका, थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर, इसको बोल सकते हो थर्मल प्रिंटर भी बोल सकते हो। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। ठीक है, किस, देखो ये इसको याद रखना है, एक ऐसी तकनीक है जिससे कागज़ पर क्या, वैक्स आधारित रिबन। ठीक है, इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। ठीक है, वैक्स आधारित रहता है, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता और प्रिंट किया गया मैटर पेपर से क्या हो जाता है, मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ATM मशीन में। कौन सा प्रिंटर का उपयोग ATM मशीन में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर भी बोल सकते हो, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ATM। देखना ATM में जो लिखा रहता है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, वो क्या होता है आपका, मिल जाता है, 3 से 4 बार आपका हाथ पड़ेगा वो क्या होता है, उसके कलर जो है वो निकलने लगते हैं। तो ये कौन सा प्रिंटर हो गया आपका, थर्मल प्रिंटर। इससे पहले क्या देखे थे, लेज़र। अब देखते हैं हम लोग
अगला प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर देखेंगे? इंकजेट प्रिंटर। अब देखो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ये देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है इंकजेट कैसे दिखता है, ठीक है। तो यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट, जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नोजल किस प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। तो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ठीक है, राइट है। अगर इंकजेट है तो फिर हम क्या लगाएंगे? इंकजेट। तो ठीक है, नोजल से कागज़ पर स्याही के बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और ग्राफिक्स क्या किए जाते हैं? प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है, ठीक है। स्पष्ट रहता है इसका छपाई। क्यों स्पष्ट रहता है? क्योंकि इसमें कई डॉट्स मिलकर क्या करते हैं? अक्षर की छपाई करते हैं। देखो रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोज़ल होते हैं। अब ये नोज़ल का कलर याद रखना, कौन कौन सा कलर होता है? तो आपको दिख रहा है, देखो नीला, लाल, पीला, काला। तो चार नोज़ल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। कौन सा प्रिंटर कहा जाता है? CMYK, ठीक है। किस प्रिंटर को कहा जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर को। क्या कहा जाता है? तो CMYK, ठीक है। अब देखो ये जो CMYK क्यों बोलेंगे? क्योंकि चार कलर से क्या होता है, इसके नोजल में कितने कलर होंगे? चार कलर। किस में? रंगीन इंकजेट में ना, मैं ब्लैक एंड वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को क्या करता है? उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। अब चार रंग आपस में मिलेगा और चार रंग मिल के क्या बनाता है? नया रंग बना देता है। तो चार रंग कौन होता है? तो CMYK, ऐसे याद रखना, अगर नहीं तो फिर आप नीला, लाल, पीला, काला, इस टाइप का भी क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो ये कौन सा प्रिंटर हो गया? आपका इंकजेट। उसके बाद देखते हैं पोर्टेबल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? तो पोर्टेबल प्रिंटर। अब ये पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है? तो देखो ये देखो ऐसे दिखता है पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है। आपका डायग्राम में दिख रहा है वो कौन सा प्रिंटर है? आपका पोर्टेबल प्रिंटर है। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं, ठीक है। छोटे होंगे और कम वजन वाले, जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकालने की अनुमति देता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लैपटॉप मतलब लाने ले जाने में कौन सा प्रिंटर अच्छा है? तो पोर्टेबल प्रिंटर। यह ढोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होता है, मगर सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। भाई ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि पोर्टेबल है, ठीक है। तो इसकी प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। आप सामान्य प्रिंटर एक जगह रखे रखे भाई उसकी स्पीड ज़्यादा है और इसको कहीं भी ले जा सकते हैं हम, तो इसकी प्रिंटिंग की गति सामान्य प्रिंटर से क्या होगा? कम होगा। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर भी कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसा प्रिंटर होता है जो कैमरे से क्या करता है? तुरंत फ़ोटो निकाल के देता है। आप कई जगह घूमने जाते हो, देखो तुरंत फ़ोटो आपको मिल जाता है। तो इसी प्रकार के प्रिंटर को क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखना, डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? तो पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव दो तीन प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना आप। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर बच गया एक हमारा, तो आपका मल्टी फंक्शनल, या इसको बोल सकते हो ऑल इन वन प्रिंटर। अब देखो मल्टी फंक्शनल या ऑल इन प्रिंटर जो है, ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों को कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मतलब सब काम होता है, इसीलिए तो मल्टी फंक्शनल कहलाएगा। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट या लेज़र प्रिंट विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? तो इंकजेट या लेज़र। तो भाई आपको याद रखना है सभी प्रकार की चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा, इसलिए क्या कहलाता है आपका? मल्टी फंक्शनल या ऑल इन वन। मतलब आप उसमें देखो प्रिंट भी कर सकते हो, फोटोकॉपी भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो। तो स्कैनर का है आउटपुट डिवाइस हम पढ़े हैं ना, तो सभी प्रकार की चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हो, इसलिए क्या कहलाएगा आपका? ऑल इन वन प्रिंटर।
तो जैसे लिखा भी है देखो, जैसे प्रिंट, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स, फैक्स भी कर सकते हो। अब फैक्स करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, वही क्या कहलाता है आपका, फैक्स कहलाता है। तो इस प्रकार के सारे चीज़ को हम मल्टी फंक्शनल प्रिंटर से कर सकते हैं, या इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑल इन वन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिससे सभी कार्य किया जा सकता है, सभी का मतलब आपका जैसे फैक्स करना, प्रिंट, तो वो कौन सा होगा, मल्टी फंक्शनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रिंटर्स का टाइप्स। थैंक यू।